नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेक्नोलॉजी चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। सो आज की जो टॉपिक है, एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि माँ पार्वती और महादेव की तरफ से क्या मैसेजेस हैं वो जानना चाहते हैं, और काफ़ी दिन हो भी गए हैं, मैंने ऐसे कोई वीडियो बनाया भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फाइल चूज़ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है ब्लैक टर्मलिन एंड ऑप्शन नंबर 2 है एमेथिस्ट क्रिस्टल। जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन 1 है ब्लैक टर्मलिन एंड ऑप्शन 2 है एमेथिस्ट। हाय ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन 1। ओके, मैंने ऑप्शन 2 बोला तो हो सकता है किसी किसी को ऑप्शन 2 अच्छा लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है। लेट्स सी ऑप्शन 1 आपके लिए क्या मैसेज है। माँ पार्वती और महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ कोई किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, स्पेशली मुझे रोमांटिकली इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। स्पेशली मुझे फेमिनिन एनर्जी दिख रहा है। अगर आप मेल है और आपके अंदर मैस्कुलर एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है तो पर्टिकुलर फेमिनिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और जो फेमिनिन व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर फेमिनिन एनर्जी का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आप मैस्कुलर एनर्जी में हैं तो कोई पर्टिकुलर फेमिनिन एनर्जी के इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। कुछ पुरानी यादें वो समेट रहे हैं, कुछ पुरानी यादें, स्पेशली मैसेजेस मुझे दिख रहा है। पुराने मैसेजेस रीड करने की एनर्जी यहाँ पर है कि पुराने मैसेजेस चेक किया जा रहा है। या तो ये आप लोग कर रहे हैं या फिर आपके मैसेजेस को कोई और याद कर रहे हैं जो इस वक्त फेमिनिन एनर्जी में है, ठीक है। याद कर रहे हैं, लाइक रीड कर रहे हैं पुराने मैसेजेस को, कई सारे मैसेजेस। और मुझे उदासी वाला चेहरा दिख रहा है। ये जो भी शख्स ये काम कर रहे हैं उनके चेहरे पे एक किस्म का उदासी है, बट इनोसेंस मुझे दिख रहा है इनका, इनोसेंस। जैसे कि ये जो भी शख्स है, ये एक तो मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान भी नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल कह लो या रिलीजियस कह लीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहने वाले इंसान हैं। और ये मिस कर रहे हैं इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा, ओके। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है या फिर आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग है, तो कई सारे लोग देख रहे हैं, ये किसी और के लिए है, ठीक है। या लेट्स सी महादेव और माँ पार्वती ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। महादेव और शिवा, माँ पार्वती, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। आपको सुनने के लिए बोला जा रहा है, ध्यान से सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ मैसेजेस आपको दिया जा रहा है लेकिन पर्टिकुलर कुछ मैसेजेस को आप समझ नहीं पा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं बट समहाउ आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे, लेकिन शायद आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये मैसेजेस मेरे लिए नहीं है, शायद किसी और के लिए। कुछ इस तरीके से इग्नोर करने की एनर्जी है, ओके। ऐसा हो सकता है कि आप जानबूझकर इग्नोर ना करें, लेकिन एक होता है ना कि कई बार इंसान अपने इंट्यूशन को डाउट करते हैं और कई बार डिवाइन से साइन मिलने पर भी वो डाउटफुल एनर्जी में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ध्यान से सुनिए, आपके गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एम्परर, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। माँ पार्वती और महादेव ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 7 ऑफ कॉइंस, थैंक यू। कुछ सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है आपके, आपके अंदर कुछ सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है जिसे हटाने के लिए बोला जा रहा है, रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है। किंग ऑफ कप्स, सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं हमारी सोसाइटी, हमारी अपब्रिंगिंग। हम जिस माहौल में बड़े होते हैं वहाँ पर हमारे माता पिता, भाई बहन, आसपास के लोग, रिश्तेदार, ये जो सोसाइटी बनता है वही ये बिलीफ सिस्टम हमारे दिमाग में डालते हैं। जहाँ पर मैक्सिमम ऐसे ही बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते। और ये जो न्यू अर्थ रेडी हो रहा है, इस न्यू अर्थ में पुराने जो बिलीफ सिस्टम है वो नहीं चलने वाला है। जो कोई भी इंसान पुराने बिलीफ सिस्टम को लेकर कैरी कर रहे हैं उन्हें
छोड़ना पड़ेगा। डिवाइन कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि कपड़ों के मामले में लोग काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, है ना। तो कपड़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, हमारा बिलीफ सिस्टम। हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे पूरे सिस्टम को हिला कर रख देते हैं, हमारी पूरी लाइफ को हिला कर रख देते हैं, बदल कर रख देते हैं। अच्छा बिलीफ सिस्टम हो तो अच्छा बनता है लाइफ, अदरवाइज आपका लाइफ बर्बाद भी कर देता है आपकी बिलीफ सिस्टम से। तो यहाँ पर आपको माता पार्वती और महादेव कहना चाहते हैं कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसे चेंज कीजिए। पूरी की पूरी बिलीफ सिस्टम नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम्स है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके सोल को सर्व नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके सोल को पता ही ये गलत है। ओके, जैसे कि हम लोग जिस माहौल में बने होते हैं वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें इस तरह से बचपन से ही डाल दिया जाता है कि हम उसी को ही काफ़ी अच्छा और सच मानने लग जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शादी करते हैं तो लड़का लड़की से उम्र में बड़ा होता है, चाहे वो 10 साल 15 साल 20 साल तक चले जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को। लेकिन अगर लड़की लड़के से उम्र में बड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की लड़के से उम्र में 5 साल अगर बड़ी हो जाए तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तो ये एक किस्म का बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, ये एक बिलीफ सिस्टम है। तो इस तरह के कई सारे बिलीफ सिस्टम है जो इंसानों के दिमाग में घुसे पड़े हैं अभी भी। तो यहाँ आपके अंदर भी कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम है जो रिमूव करने के लिए आपको बोला जा रहा है। देखिएगा, सोचिएगा, करंटली कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रहे हैं जिससे आपको ट्रिगर मिल रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत है, नहीं ये चीज़ ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आपको वही चीज़ उसी चीज़ के ऊपर उसी टॉपिक के ऊपर ध्यान से देखने के लिए बोला जा रहा है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गलत है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है, ज़रा खुद से पूछिए। आपको जो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, क्यों गलत है, पूछिए एक बार, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। ज़रूरी नहीं कि आपके नज़र में ये चीज़ गलत है तो दूसरे की नज़र में भी वो चीज़ गलत हो, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो कुछ इस हिसाब से आपको खुद के ऊपर ही टेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको पता चल जाएगा कि आप बिलीफ सिस्टम है आपके जो सही नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़िद्दी वाले एनर्जी में हैं, ज़िद, एक किस्म का ज़िद मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कि यहाँ पर मतलब इस टाइप की एनर्जीज मुझे मिल रहे हैं। देखिए, आपके साथ अगर रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरा ऑप्शन देखिएगा, बट मुझे एक ऐसा ज़िद दिख रहा है, दो टाइप के लोगों का मुझे दिख रहा है, वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। पहले तो मुझे एक ऐसे लोगों का स्ट्रांगली मैसेज ये आ रहा है कि आप लोग एक किस्म के ज़िद पकड़ के हो बैठे हो कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं जानना है, या मुझे ये चीज़ नहीं देना है, या मुझे इस पर्टिकुलर इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, इग्नोर करना है, टोटली अनदेखा करना है, इग्नोर करना है, समथिंग इस टाइप का। या फिर यूँ कहे कि डिवाइन आपको हिंट्स दे रहे हैं लेकिन आप उस हिंट्स को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, नहीं देखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है। तो ये भी एक किस्म का बिलीफ सिस्टम ही है आपका, एक बार गौर फरमाइए। क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी ईगो इस वक्त सरफेस में आ रहा है। ईगो हम सभी के अंदर कम ज़्यादा करके आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ईगो को हटाने के लिए वो इस तरह से सरफेस में आता है, बहुत ज़्यादा भर के आता है वो चीज़, उसको हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। क्योंकि जिसके अंदर ईगो है वो डिवाइन के साथ कनेक्ट कभी हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। उसको लगेगा कि मैं इतना पूजा पाठ नमाज कुरान पढ़ती हूँ, मैं हूँ डिवाइन के साथ कनेक्टेड, मगर होते नहीं है। तो ईगो जिस इंसान के अंदर ईगो ना के बराबर होता है ना, वो डिवाइन के साथ बहुत प्योरली कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ डिवाइन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और आपको बताया जाता है कि आपके उन ईगो सेल्फ को हटाने की वक्त आ चुका है, हटाने का टाइम आ चुका है अभी ईगो सेल्फ को। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही रिजिड माइंडसेट के साथ आप बैठे हो के नहीं मुझे ये नहीं देखना है, या मुझे इस पर्टिकुलर इंसान को चूज़ नहीं करना है, या मुझे इस पर्टिकुलर इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, टोटली इग्नोर करना है, समथिंग इस तरह का। और किसी पर्टिकुलर एक तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है, और दूसरा टाइप का जो मैसेज मुझे मिल रहा है उन व्यूअर्स के लिए, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर ऐसे इंसान के ऊपर अपना एनर्जी लगा रहे हैं जो इंसान इस एनर्जी में है रिजिड माइंडसेट के साथ कि मुझे इनको भाव नहीं देना है, मुझे इनको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, समथिंग इस तरह का। या फिर यूँ कहें कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसान है, मैस्कुलर एनर्जी है, जो बहुत ईगोइस्टिक है और जो जिनको ऐसा लगता है कि वही सही है, और वो पूरी तरह से आपको इग्नोर करता है, चाहे वो कोई भी हो, आपका घर का मेंबर भी हो सकता है। कोई पर्टिकुलर ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी है आपके लाइफ में जो कम्प्लीटली आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जिनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वही सही है, वही परफेक्ट है,
तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इंसान मुझे डी वैल्यू कर रहे हैं, मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या मेरे साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं, रफली बिहेव कर रहे हैं, और आप ये बार बार सोचे जा रहे हैं, तो उसमें आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। महादेव और माँ पार्वती कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी ए टू जेड इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं, रफली बिहेव कर रहे हैं, और आपको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वैल्यूएबल नहीं हो, तो आप उस इंसान के ऊपर अपना एनर्जी वेस्ट ना करें। उस इंसान को अपने हालत में खुश रहने दीजिए। आप अपने बारे में सोचिए, ठीक है? कहने की आप उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एनर्जी लगाते हैं बहुत ज़्यादा कि ये इंसान मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं या इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आपको उसमें इतना एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको साफ मना किया जा रहा है कि इतना एनर्जी मत लगाओ। जिसको वैल्यू करना होगा वो वैल्यू कर लेंगे, जिसको समझना होगा वो समझ जाएंगे, लेकिन आप ज़बरदस्ती वो काम नहीं करवा सकते हैं किसी से भी, ठीक है? कई लोग यहाँ पर मनी को लेकर भी परेशान है, पैसों को लेकर। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मनी को लेकर अभी थोड़ा बहुत भले ही आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, थोड़ा तंगी चल रहा है, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ क्रिएटिव करने के लिए बोला जा रहा है। इसके लिए आप चाहें पार्टनरशिप में भी किसी के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ अलग ट्राई कीजिए। आप वो मत कीजिए जो हमेशा से आप करते आ रहे हैं, जहाँ पर आपको ग्रोथ एक लिमिट में ही मिल रहा है। आपको कुछ ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है जहाँ पर जो आपने पहले किया नहीं, ठीक है? ऐसा कुछ कीजिए और वहाँ पर आपको लिमिटलेस प्रॉफिट होगा, लिमिटलेस अबंडेंस आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली आपकी क्रिएटिव साइन, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको हेल्प करेंगे इसमें। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, पर्टिकुलर सैलरी मिल रहा है, सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है और आप उसमें परेशान हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि इसके अलावा भी और कई सारे ऑप्शंस हैं। आपको जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि साइड बिजनेस भी आप कर सकते हैं, ओके? और जिनको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है इस जॉब में, तो वो डेफिनेटली छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, यहाँ बैलेंस आएगा आपके लाइफ में, ठीक है? यहाँ किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ओके? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर, बट वो थोड़ा अलग टॉपिक है, वो मैं यहाँ पर नहीं खोलना चाहती हूँ। लेट्स सी महादेव और माँ पार्वती ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए आपको बोला जा रहा है, लैंटर्न, थैंक यू। सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, कितना चीज़ आप कितना टाइम देखोगे, कितने लोगों के साथ आप कितना टाइम बात करोगे, कितना एनर्जी एक्सचेंज करोगे, द बॉडी। चीज़ों को इस वक्त थोड़ा ध्यान से देखने के लिए आपको बोला जा रहा है। अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, देखिए, समझिए सिचुएशन को। इन दिनों आपको सेक्सुअल एनर्जी थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, उस एनर्जी को ग्राउंड कीजिएगा, ओके? अगर आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस एनर्जी से, तो उस एनर्जी को ग्राउंड कीजिएगा। राइट, 1 मिनट, इसीलिए आपकी क्रिएटिव साइड के बारे में बोला जा रहा था, इसीलिए क्रिएटिविटी के बारे में बोला जा रहा था, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी यानी सेक्रल चक्रा, और सेक्रल चक्रा यानी क्रिएटिव साइड, दैट्स वाई, राइट, थैंक यू सो मच। इसीलिए आपके लिए मैसेज आ रहा था कि आपको क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर इन दिनों सेक्सुअल एनर्जी भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको उस एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करके कुछ क्रिएटिव कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी क्रिएटिविटी की एनर्जी है, ये एनर्जी वेस्ट करने की एनर्जी नहीं है, बेफालतू का वीडियोस देखना नेटफ्लिक्स का, ओके? समझने वाले समझ रहे हैं। तो इस एनर्जी को सही काम में यूज़ कीजिए, तब आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा। एनिमल्स के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक हेल्थी बाउंड्री यहाँ पर सेट करने के लिए बोला जा रहा है। पर्टिकुलर कोई फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर आपके लाइफ में, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं एनर्जेटिकली। आपको पता है वो फेमिनिन एनर्जी कौन है, जिनसे आपको अच्छा वाइब्स नहीं मिलता है, ऐसी कोई पर्टिकुलर फेमिनिन एनर्जी है आपके लाइफ में, ओके? ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। महादेव और माँ पार्वती को थैंक यू ज़रूर बोलेगा, कमेंट देकर हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ओके? बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, प्लीज़ बताइएगा महादेव माँ पार्वती, प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं।
मुझे त्रिशूल दिखाया जा रहा है आप लोगों के लिए, और जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आप में से कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो महादेव की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, कई लोग उनको मानते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो उन्हें मानना नहीं चाह रहे, मे बी अदर रिलीजन के वजह से, ओके उनके तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं महादेव की तरफ, लेकिन उन्हें मानते नहीं हैं क्योंकि रिलीजन अलग है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आपको किसी को मानने के लिए ऐसा नहीं करना है कि आपको पूजा पाठ करना है या मंदिर जाना है, नो ऐसा सिस्टम नहीं है। ये तो 3D में बनाया गया है मटेरियल, जो हम लोग का ये 3D मैट्रिक्स है वहाँ पर ऐसा रूल बनाया गया है। इन स्पिरिचुअलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी में आपको पर्टिकुलर प्लेस में जाकर भगवान से मिलने की या आराधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, जो ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो ये मानता है, फील करता है, एक्सपीरियंस करता है कि ईश्वर उसके अंदर है, उसके अंदर आत्मा में है, ठीक है। तो अगर आप महादेव की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके क्योंकि ऊपर वाला एक ही है, उन्हें इंसानों ने डिफरेंट रिलीजन में पार्ट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है, वो है एक ही। और डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ का इनके साथ कनेक्शन है, दैट्स वाई आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अट्रैक्ट होना, एक बात मैं बता दूँ, ये इंसान जानबूझकर नहीं करता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एनर्जी हमें अट्रैक्ट करता है, मतलब वो पर्टिकुलर डिवाइन एनर्जी जो है वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी की पर्टिकुलर डिवाइन एनर्जी को अपने मर्जी से अट्रैक्ट कर रहे हैं, नो उन्होंने आपको चूज़ किया है इसीलिए आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपने उनको चूज़ नहीं किया है, उन्होंने आपको चूज़ किया है इसीलिए आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ गलत नहीं है, आप ये गलती से भी मत सोचिएगा कि हम दूसरे रिलीजन के हैं तो इनको नहीं मान सकते हैं, गुनाह हो जाएगा, पाप लग जाएगा, ना जाने ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आप अपनी वाइब्रेशन हाई करते जाएंगे ना, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा मेरी बातों का मतलब, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे अभी एनीवेज। बट महादेव आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको माइंड बॉडी एंड सोल की अलाइनमेंट के बारे में भी बता रहे हैं महादेव और माँ पार्वती, अपने माइंड बॉडी एंड सोल को अलाइन रखिएगा। कुछ नेगेटिविटीज़ हैं ये तीनों एरिया पर, माइंड बॉडी एंड सोल में कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं जो रिलीज़ होना चाह रहे हैं, उसे रिलीज़ करना है आपको। जैसे कि अभी मैंने ये चीज़ बताया कि शायद आपको डर लगता है कि हम दूसरे रिलीजन के हैं तो कैसे मान सकते हैं, तो ये भी एक नेगेटिविटी ही है, ये एक सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है जो रिलीज़ करना है, ओके। कुछ व्यूवर्स ऑप्शन वन से आए हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगा, ऑप्शन वन की कुछ चीज़ें भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है, ओके। एक तो ये चीज़ बताया जा रहा है, दूसरा ये है कि अवेयरनेस अपने अंदर अवेयरनेस ना आइए, अलर्ट रहिए, आपके आसपास जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता है। 3D में आपके आसपास जो दिखाई देता है ना वो सच नहीं होता है, मुखौटे वाले लोग बहुत हैं आपके आसपास, मुखौटे लगाए हुए कई लोग हैं। रिश्ते नातों में ज़्यादा फंसिए मत, ये मैसेज आया है आपके लिए, रिश्ते नातों में ज़्यादा फंसिए मत, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स का एक माया होता है, रियलिटी कुछ और होता है, ठीक है। अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को खोइएगा मत किसी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड इंसान की वजह से, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको डिवाइन गाइड करेंगे, आपको चुना गया है कि आप यूनिवर्स के उस पावरफुल एनर्जी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। एक स्पिरिचुअल इंसान और एक रिलीजियस इंसान के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक रिलीजियस इंसान दिन भर भगवान से रिलेटेड, अल्लाह से रिलेटेड काम करता रहता है और उससे लगता है वो उनके साथ बहुत कनेक्टेड हो गया, होता है कनेक्टेड नो डाउट, लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है उसको इतना वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, वो एक अलग ही तरह से ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो बहुत डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट जैसे कि हम चैनलिंग करते हैं वो डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस हम रिसीव करते हैं, ऊपर वाला हमसे बात करते हैं, ओके। तो आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं तो बहुत जल्द आप स्पिरिचुअल बनने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका खिंचाव बढ़ेगा, ये इसलिए है क्योंकि ये आपके किस्मत में है, ऑलरेडी होना लिखा है, ये इसीलिए होगा। तो ये जो बदलाव आ रहे हैं आपके लाइफ में और आगे जो आएगा उसे रोकिएगा मत ये सोचकर कि ये गलत है, नो इट्स नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, आप शैतान को नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना, ये गलत नहीं है। तो अपनी बिलीफ सिस्टम के ऊपर थोड़ा काम करें,
दैट्स वाई। और जब कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है या बढ़ता है, तब उसको रोकने के लिए कई सारे लोग आते हैं, लोग नहीं यार बोलूँगी, इंसानों के चेहरे पे शैतान कई सारे आते हैं जो उन्हें रोकते हैं। महादेव और माँ पार्वती की तरफ से क्या मैसेज है ऑप्शन टू के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू। इक्वल गिव एंड टेक आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये बताया जा रहा है। इक्वल गिव एंड टेक का खास ख्याल रखिएगा। आप किसी को बहुत वक्त दे रहे हैं, सामने वाला आपको कैसा कितना वक्त दे रहा है मेंटेन कीजिएगा। आप किसी के लिए बहुत केयर कर रहे हैं, किसी के लिए आप बहुत इमोशनली अवेलेबल हो रहे हैं, वो इंसान आपके लिए कितना इमोशनली अवेलेबल हो रहे हैं मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से पैसों के मामले में भी हर एक चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएगा लाइफ में, हो रहा है ऑलरेडी। किसी का जो मुझे मैसेज आ रहा है, हो रहा है ऑलरेडी। बहुत से लोग आपसे लेते हैं लेकिन आपको बदले में देते नहीं है। थ्री ऑफ कॉइंस ऑप्शन टू के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है महादेव और माँ पार्वती, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिक्स ऑफ वॉन्स, नाइस, थैंक यू। वन मोर, कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस आप करने वाले हैं, कुछ मैजिकल, कुछ अनोखा जो पहले आपने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप करने जा रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन वन मैंने बोल दिया, तो डेफिनेटली कुछ लोग ऑप्शन वन से आए हैं। जब मैं ऑप्शन वन की रीडिंग कर रही थी ना स्टार्टिंग में, मैंने बोल दिया था ऑप्शन टू, तो डेफिनेटली वन के व्यूअर्स टू को देख रहे हैं, टू के व्यूअर्स वन को देख रहे हैं। ओके, तो आपके लिए मैसेज है, आप इस वक्त जो भी काम करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, इसीलिए बार बार मत सोचिएगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं, मुझे करना चाहिए या नहीं, इस तरह से मत सोचिएगा, क्योंकि इस वक्त डिवाइन आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही गाइड करेंगे, ठीक है। आपका इंट्यूशन के थ्रू ही डिवाइन आपको गाइड करेंगे, तो इस वक्त आपको कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले 10 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से वो काम कीजिए, फुल प्लानिंग के साथ कीजिए, आपकी जो भी क्रिएटिव साइड है उसे इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी इस वक्त बहुत लाइक एक्टिव है। ओके, आपकी क्रिएटिव साइड कहीं ना कहीं चिल्ला रहे हैं कि मुझे यूज़ करो अपने लाइफ में, मुझे अप्लाई करो अपने लाइफ में, यू नो। एंजल नंबर 555 या फिर 555 आपको दिख सकता है इन दिनों, आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुलकर एक्सप्रेस करें जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जो आप रिलीज कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, कुछ पास्ट बैड एक्सपीरियंस रहा है चाइल्डहुड में, उसे आप रिलीज कर रहे हैं करंटली। किसी चीज़ को कहीं ना कहीं, कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि खोने का एक किस्म का, कि लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमने खो दिया है। कोई इंतज़ार कर रहा है तो कोई ऐसा फील कर रहा है कि हमने खो दिया है, बट आपने कुछ नहीं खोया है, बिलीव रखिए आपने कुछ खोया नहीं है। ओके, इस माइंडसेट को चेंज कीजिए कि आपने खो दिया, आपने कुछ नहीं खोया है, बस जो ऐसी इमोशंस हैं, जो पुरानी जो ऐसी यादें हैं जिसको याद कर कर बुरा लगता है, उसे रिलीज़ करना है। पुरानी उन याद बातों को याद मत कीजिए जिससे याद करने से बुरा लगता है, बार बार उसी लुक में मत फंसिए कि वही बातें बार बार सोचते रहें, नहीं, उसे रिलीज़ करना है। बट इस वक्त ऐसा है कि आपकी क्रिएटिव साइड इतना एक्टिव हो रहा है ना, आप जो भी करेंगे वही काम बहुत खूबसूरत वे में सामने आएगा, उभर कर सामने आएगा, आपके लिए डोर ओपन हो रहा है, ब्लॉकेजेस रिमूव किया जा रहा है आपके लिए। महादेव और माँ पार्वती आपको कह रहे हैं कि एक्शन लो और आगे बढ़ो, तुमको सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्स का, डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को नोटिस करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, तो यहाँ पर ये भी मैसेज है कि वो भी इंसान कहने की आपको नोटिस करते रहते हैं, बोथ साइड में है ये चीज़, ठीक है, खाली एक तरफा नहीं है, दोनों साइड से ये चीज़ है। महादेव और माँ पार्वती ऑप्शन टू के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सवरने का टाइम आ गया है, सवरने का टाइम, ये वक्त बिखरने का नहीं है स्नेल, ये वक्त सवरने का है। महादेव और माँ पार्वती क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन टू के व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच, थैंक यू। फैमिली, कुछ लोग यहाँ हालात से मजबूर हैं, मुझे कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है, हालात से मजबूर,
किसी हालात से मजबूर कोई नहीं होता है, कमज़ोर मैं कहूँगी कि कमज़ोर जो इंसान कमज़ोर होता है वो अक्सर हालात को ब्लेम करता है, क्या हम हालात से मजबूर है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने आपको जेल में बंद करके नहीं रखा है। सी बोलते वक्त मेरा बहुत वो हो रहा है, बोल डिस्टर्बेंस आ रहा है मेरे थ्रोट में। मैंने बोला था कि आपको आपके थ्रोट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ आप खुलकर बोल भी नहीं पाते हैं। आप ही के घर के कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है, ये मैक्सिमम रीडिंग्स में आता है। पता नहीं फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम होता है इतना, मतलब मैक्सिमम रीडिंग्स में ये चीज़ आता है कि घर का कोई ना कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन ऐसी होती है जो दूसरे इंसान के लाइफ में बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट डालती है। यहाँ आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है जो मैरिड लेडी है, या आपकी माँ बहन या वाइफ भी हो सकती है, बट कोई पर्टिकुलर फीमेल लेडी तो है जो आप बहुत टॉक्सिक हैं। एक्सेप्ट करें इस बात को कि वो लेडी टॉक्सिक है और वो आपको कंट्रोल कर रही है, और कंट्रोल उसी पे किया जाता है जो कमज़ोर होता है। ताकतवर को कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ताकतवर का मतलब यहाँ फिजिकली ताकतवर के बारे में नहीं बता रही, जो इंसान मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, चाहे वो कितना भी पतला दुबला इंसान क्यों ना हो उसे कोई नहीं कर सकता है कंट्रोल। लेकिन जो इंसान मेंटली इमोशनली कमज़ोर होता है ना बहुत, उसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है, उसे एक बच्चा भी कंट्रोल कर सकता है। तो आपके अंदर वो कमी है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। मेरी ये बात आपको चुभेगा बट ये सुनना ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए स्टार्टिंग में ही आया था। माइंड बॉडी एंड सोल को अलाइन करना है, नेगेटिविटी है उसमें। माइंड बॉडी एंड सोल को अगर अलाइन करना है तो मेडिटेशन के साथ जुड़िए। बिना मेडिटेशन के आपका माइंड बॉडी एंड सोल किसी जन्म में भी अलाइन नहीं होने वाला है। आपको इन दिनों खिंचाव हो रहा है मेडिटेशन की तरफ, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग नकार रहे हैं, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे इतना धैर्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके एक्सक्यूजेस बहुत आ रहे हैं यहाँ पर कुछ लोगों का। मुझे बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं आप इस वक्त, इसी वजह से आपकी लाइफ इस वक्त बहुत रुक रुक के जा रहा है, बहुत रुक रुक के, बहुत स्लोली स्लोली मूवमेंट आ रहा है। कुछ लोग तो यहाँ फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी गुजर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि बचपन से ही हम इसी में ही मतलब जी रहे हैं, कि बचपन में भी स्ट्रगल था फाइनेंशियली, अभी भी सेम वही है। आपको अपनी आँखें खोलने का मतलब आपको बोला जा रहा है कि अपनी आँखें खोलिए, अपनी तीसरा थर्ड आई, तीसरा नेत्र थर्ड आई से देखिए, इंट्यूशन अपनी इंट्यूशन से देखिए, डिसेप्टिव एनर्जी में मत रखिए, एक्सेप्ट करें जो सच है, सच को एक्सेप्ट करें और एक्शन लें, डिसेप्टिव एनर्जी में मत रखिए। ट्रिक्स्टर, यहाँ पर आपकी फैमिली में कोई ट्रिक्स्टर भी है, कोई ट्रिकरी, कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसान जो काफ़ी ट्रिकी है, जो सीधे मुँह बात नहीं करता है, जो टेढ़े मेढ़े हुए में ही काम करता है, जो जिसका दिमाग लोमड़ी का है, इंसानी शक्ल में कोई लोमड़ी है आपके लाइफ में, और वो ट्रिक्स्टर मुझे कोई मैस्कुलर एनर्जी का वाइब्स मिल रहा है। ओके, कोई मैस्कुलर एनर्जी आपके लाइफ में है जो काफ़ी ट्रिक्स्टर है, सीधा इंसान नहीं है। तो बेसिकली अपने लाइफ की कंट्रोल अपने हाथ में लाइए, अदरवाइज इस टॉक्सिक लूप से आप निकल नहीं पाएंगे। ओके, ये बात आपको बोला जा रहा है महादेव की तरफ से। एक और मैसेज मैं लेती हूँ, महादेव और माँ पार्वती आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन टू के व्यूवर्स को। वन मोर मैसेज, मुझे एक मैसेज ये आ रहा है कोई पर्टिकुलर मेल व्यूअर के लिए मैसेज आ रहा है, जैसे कि आपको चाइल्डहुड से ही बहुत कंट्रोल किया गया है, स्पेशली टीनेज टाइम पे कुछ ज़्यादा ही इम्पेक्ट पड़ा था आपके ऊपर, टीनेज कहूँ या फिर ये कहूँ कि अर्ली ट्वेंटीज़, जैसे कि 18-19 ईयर्स में और ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। आई डोंट नो एक मैसेज किसके लिए है, महादेव और माँ पार्वती प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइफ बॉटम का देखें आई, मैं भी बोल रही थी ना थर्ड आई के बारे में, त्रिनेत्र के बारे में, इंट्यूशन के बारे में, और आ गया आपके लिए। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, बहुत ही टॉक्सिक लोग जो हैं आपके लाइफ में उसे कट ऑफ करें। अगर वो कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि घर का ही मेंबर है, तो कैसे कट ऑफ करें, कैसे कट ऑफ करना है, एनर्जेटिकली कट ऑफ करें, अपने फैसले खुद लिया करें, उनके डिसीजन से ना लें, वो ये कर रहे हैं तो इसलिए ये कर लेते हैं, नहीं ये बेवकूफ़ी मत करें। ठीक है, ऊपर वाले ने आपको आपका खुद का दिमाग आपको दिया है, आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, इस्तेमाल करें उसका, क्यों किसी और के दिमाग का यूज़ करना।
जो कंट्रोल करे आपको, है ना। तो कट ऑफ करने के लिए यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कट ऑफ ऐसे करें कि वो इंसान आपको कंट्रोल ना कर सके, अपनी पावर खुद अपने अपने हाथ में ले, डिसीजंस खुद ले, कुछ भी काम करना है तो खुद डिसीजन ले, छोटी-छोटी बात पर किसी और को ना पूछा करे, परमिशन ना मांगा करे कि ये करे या ना करे, ये वो करके आपका मन जो करता है आप वो करें, क्योंकि आपको डिवाइन गाइड करेंगे। और इनको कौन गाइड कर रहा है? इनडायरेक्टली शैतान ही इनको गाइड कर रहे हैं, इनके दिमाग। ठीक है, ऑप्शन टू, ये रहा आपका रीडिंग। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।